हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का अभ्यास 2 का डी। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अभ्यास 2 सी का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अभ्यास 2D पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट कराएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा इजी है। इंट्रोडक्शन भी आप लोग देखेंगे। आप लोगों में कई लोग कमेंट करते हैं, सर क्लास 9th का और 10th का मैथ पढ़ाइए। तो देखिए, हमने इस चैनल पर क्लास 9th का पूरा कोर्स कम्प्लीट कर दिया हुआ है और क्लास 8 में हमने जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया हुआ था चैप्टर 6 तक, तो उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं नए वाले सत्र में। नहीं तो हमने क्लास 8 को भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। और देखिए, क्लास 10th वाला वीडियो हमने यहाँ से हटा दिया है, उसके लिए हमने अलग से चैनल बनाया हुआ है। उसका भी नाम सब कुछ नो ही है जो इस चैनल का नाम है। उस पर केवल क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट और वीडियो जो भी होंगे डाले जाएंगे, तो आप लोग उससे भी जुड़िए और क्लास 10th का आप लोग वहीं पर पढ़ाई करेंगे, वहां पर भी डेली वीडियो अपलोड होता है। अब हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए, अभ्यास 2D में आप लोगों को जानना है किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करें। किसी संख्या के वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमको 12 का वर्ग करना है। 12 का वर्ग मतलब क्या हुआ, आप लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे और 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। तो अगर हम पूछते हैं कि 12 के वर्ग में कितने अंक होंगे, 12 के वर्ग में कितने अंक होंगे, तो देखिए 12 का हमने वर्ग किया तो देखिए कितने अंक हुए, 1, 2, 3 अंक हुए। एक तो ऐसे क्वेश्चन हो गया। दूसरा चीज क्या होगा, ये तो किसी संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे ऐसे आप लोग बताएंगे, उस संख्या का वर्ग कर दिए कितना आया, तो ये हो गया। एक चीज पूछेगा किसी संख्या के वर्गमूल में, यही चीज उल्टा, जैसे मान लीजिए यही चीज ऐसे उल्टा कर दिया, ये 144 का पूछ रहा है, अगर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे। तो 144 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 12 होगा, यानी कि इसमें हो गए कितने अंक, 1 और 1, 2 अंक हो गए। कैसे आप लोग बताएंगे इसको, देखिए जैसे मान लीजिए 144 दिया है, आप लोग इकाई के तरफ से शुरू करेंगे, इकाई के तरफ से शुरू करेंगे और दो दो संख्याओं पर ऐसे जोड़ा बनाते हुए लाइन खींचेंगे। एक संख्या अगर बच जाएगा तो एक पर भी खींचेंगे लाइन। अब देखिए, जितने ये लाइन होंगे उतने अंक इसके वर्गमूल में होंगे। वर्गमूल में ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल के लिए है ये। अब 144 का देखिए दो लाइन बना, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 2 अंक होंगे। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे 12 आएगा, उसमें 2 अंक हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कोई संख्या दे दिया गया, उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, और एक ऐसे पूछेगा किसी संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे। तो वर्ग में वर्ग निकालना पड़ेगा, फिर बताएंगे कितने अंक होंगे। लेकिन वर्गमूल में कहेगा तो आसान है, आप लोग जितने अंक दिए होंगे ऐसे जोड़ा बना के लाइन खींचेंगे। वर्गमूल निकालने में आप लोग यही करते हैं भाग विधि से। अब जितने ये लाइन होंगे उतने अंक हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, अभी आप लोगों को समझ में आएगा सारी बात। तो देखिए, अभ्यास 2D का क्वेश्चन दिया गया, ऊपर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न 1 दिया गया है, क्या दिया गया है, संख्या 18090025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। हमने क्या बताया आप लोगों को, वर्गमूल जब कहेगा तो क्या करेंगे, ये संख्या आप लोग यहाँ लिख लेंगे। मान लीजिए हमने लिखा 18 है, 0 है, फिर 90 है, फिर 25 है। अब कहा गया है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ऑप्शन भी दिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे, इकाई के तरफ से दो दो संख्याओं पर ऐसे लाइन खींचेंगे। एक अकेले बच जाएगा अगर एक संख्या, तो उस पर भी लाइन खींचेंगे। लाइन को गिन लीजिए, 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 4 अंक। अब आप लोग
ऑप्शन देख सकते हैं, चार तीसरे नंबर पर दिया गया उस पर आप लोग करेक्ट करेंगे। इतना आसान है ये सारा क्वेश्चन, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है, यहां समझिए। पहले कहा गया 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के, पहले तो वर्ग करके देखना है। 100 का मान लीजिए वर्ग, 100 का वर्ग आप लोग करेंगे यानी कि 100 गुणा में 100 तो कितना होगा, एक का एक में गुणा एक और चार बार आएगा 0। तो ये तो 100 का हो गया वर्ग। 100 के वर्ग कहाँ है, उसके वर्ग के वर्गमूल में। अब जो संख्या आया इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये बताना है। ऐसे ही मान लीजिए 100 से 999 तक के बीच में तीन ही अंक होंगे पूरा। तो तीन अंकों वाली संख्या का अगर तीन अंकों वाली संख्या में आप लोग गुणा करते हैं तो या तो 5 अंक आएगा या तो 6 अंक। अगर 999 में आप लोग 999 का गुणा करते हैं तो 998001 आप लोगों को गुणा नहीं करना है। ऐसे ही देखिए तीन अंकों वाला संख्या का अगर तीन अंकों में गुणा होगा तो या तो 5 अंक आएगा। देखिए सबसे छोटा ये है तीन अंकों का, तो गुणा हमने किया तो 2 2 4 1 5 अंक आया था, और 999 का किए तो 6 अंक आया। तो आप लोगों को गुणा नहीं करना है, ये तो हमने केवल समझने के लिए इसको और इसको बताया। कहाँ क्या गया है ये देखिए, कहा गया 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या जो होगी, मतलब तीन अंकों वाली संख्या का बात किया गया है। कह रहा अगर उसका वर्ग हम लोग कर दें, वर्ग करेंगे तो देखिए 5 अंक होगा या 6 अंक होगा। कह रहा है अगर उसका वर्ग कर दें और उसका वर्गमूल निकालना, मतलब ये वर्ग करने पर जो आ रहा है इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालना तो उसमें कितने अंक होंगे। तो हमने क्या बताया, देखिए यहां समझिए, ये आया है ऐसे। अब देखिए दाहिने तरफ से इकाई की तरफ से जोड़ा बना के लाइन खींचिए तो 3 बन रहा है, यानी कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक। इसके वर्गमूल में भी वही होगा, देखिए 1 2 और 3, यानी कि अगर संख्या 5 अंकों का है या 6 अंकों का है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 1 2 और 3 ही अंक होंगे। तो ऑप्शन में देखिए 3 दिया गया, इस पर आप लोग करेक्ट करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 दिया है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। कह रहा है 7 अंकों की, 7 अंकों की हम लोग मान लीजिए कोई भी संख्या लिख लेते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 अंकों की संख्या हो गई। कह रहा है 7 अंकों की कोई संख्या है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो हम लोग दो दो का ऐसे जोड़ा बनाते हैं, एक संख्या बचा उस पर भी 1 2 3 4 यही लाइन गिन लेंगे, यानी कि कितने होंगे, 4। इस पर आप लोग करेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। दिया गया किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है, वर्गमूल में अंक दे दिया है। जैसे मान लीजिए 144 का हमने वर्गमूल अगर निकाल दिया तो कितना होगा, 12। तो कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, देखिए ये वर्गमूल है उसका, केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या बताना है। इस बार उल्टा पूछा है, वर्गमूल दे दिया, वर्गमूल में 2 अंक हैं तो संख्या में कितने होंगे। तो संख्या में देखिए या तो 3 अंक हो सकते हैं, नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसे हमने 4 संख्या लिख दिया, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे 2 का ऐसे बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे तो 2 ही बनेगा और यहाँ भी बनाएंगे तो 2 ही बनेगा। यानी कि किसी अगर 3 अंकों की संख्या तब भी उसके वर्गमूल में 2 ही अंक होंगे, और 4 अंकों की संख्या तब भी उसके वर्गमूल में 2 ही अंक होंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 2 अंक हैं तो वह संख्या है, 1 अंक या 2 अंक की गलत है, 2 अंक या 3 अंक की ये भी गलत है, 3 अंक या 4 अंक की ये सही है। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, 2 अंक कब कब होंगे, देखिए 4 होगा और 3 होगा। तो यहाँ देखिए 3 अंक या 4 अंक, इस पर आप लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने कितने अंक होंगे। अब ये बताना है कितने कितने अंक होंगे, तो देखते हैं हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ हल करके लिख देंगे।
इसके वर्गमूल में इकाई की तरफ से ऐसे लाइन बनाएंगे, दो लाइन बनेगा, तो यानी कि दो अंक होंगे, दो अंक। इसमें तीन हो रहा है, तीन लाइन बना तो तीन अंक। इसमें तीन अंक, इसमें चार अंक, इसमें भी चार अंक। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बता सकते हैं संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। इस तरह से ये प्रश्नावली, तो देखिए इस तरह से ये अभ्यास आप लोगों का दो का डी काफ़ी ज़्यादा इजी था और ये कंप्लीट भी हो गया। अब आप लोग अगले वाले वीडियो में अभ्यास दो ई के लिए इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।